आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो मैंने प्रपोजल सेंड किया था तो उसका मुझे 2 दिन बाद ही क्लाइंट का रिप्लाई आया। तो आप मुझे ये ईमेल आया है तो क्लाइंट का रिप्लाई आया है तो तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना पहला क्लाइंट कैसे फाइंड करें अपवर्क पे, बिकॉज़ जो पहला क्लाइंट होता है वही सबसे ज़रूरी होता है, वही थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है, बिकॉज़ आपके प्रोफाइल पे कुछ रिव्यू वगैरह कुछ भी नहीं होता है। जब आपको फर्स्ट रिव्यू मिल जाता है तो फिर आपका काम ईजी हो जाता है, और जब भी आप अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले जो भी क्लाइंट होता है वो आपके प्रोफाइल पर आके आपके प्रोफाइल को चेक करता है, आपका हिस्ट्री चेक करता है। तो मैं सबसे पहले रिकमेंड करूँगा जो जब भी आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उस पर आपका प्रोफाइल पे सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करें, जैसे आपका वर्क हिस्ट्री, आपका पोर्टफोलियो, आपका वेबसाइट, आपका वीडियो इंट्रोडक्शन, आपका एजुकेशन। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ऐड करेंगे तो आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइज भी होगा, प्लस जब भी कोई क्लाइंट आके आपको प्रोफाइल पर चेक करेगा तो उसका पॉजिटिव इम्प्रेशन जाएगा इसके। तो अभी मैं लेके चलता हूँ आपको मेरे स्क्रीन पर और आपको दिखाता हूँ कि आपको कैसे क्लाइंट फाइंड करना है फर्स्ट टाइम और इसको कैसे प्रपोजल सेंड करना है। तो चलिए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपका प्रोफाइल क्रिएट कर देंगे तो आपको जनरली अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये मेरा अपवर्क का प्रोफाइल है। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, आपको जो जॉब्स यू माइट लाइक, तो अगर आपका जो भी रिलेवेंट कीवर्ड से जो भी जॉब होता है तो आपको यहाँ पे दिखाने लग जाएगा, जैसे कस्टम वर्डप्रेस प्लगइन फॉर कार्ट कंपैरिजन। तो जो भी मेरे स्किल्स से रिलेटेड जॉब है तो ये भी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लिस्ट में दिखाने लग जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे दिख रहा होगा मोस्ट रिसेंट जॉब, तो रिसेंटली कौन सी जॉब पोस्ट हुई है तो यहाँ पे दिखा देगा। जैसे लास्ट पोस्टेड आप दिखा रहा होगा ये 1 मिनट, तो 1 मिनट पहले ये कोई जॉब पोस्ट हुई है। तो एक तरीका तो ये है कि ये बाय डिफॉल्ट आपको सजेस्ट करेगा। दूसरा तरीका ये है कि मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, हाँ अभी आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो पहला तरीका तो ये कि आपको ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दिखाएगा जॉब्स यू माइट लाइक, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बेस्ट मैचेस, मोस्ट रिसेंट सेव्ड जॉब, तो मोस्ट रिसेंट में वो जॉब दिखाएगा जो रिसेंटली पोस्ट हुई है, जैसे 1 मिनट पहले, ये 7 मिनट्स पहले, ये 12 मिनट पहले। इसके अलावा ये जो बेस्ट मैचेस में जो आपका स्किल से जो बेटर मैच होगा तो वो जॉब दिखाएगा जो आपने कीवर्ड में डाला हुआ है जो, तो वो सारी जॉब जो इसको रिलेवेंट लगेगी आपको यहाँ पे दिखा देगा, जैसे ये यस्टरडे पोस्ट की हुई थी लेकिन ये रिलेवेंट है। दूसरा तरीका आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे सर्च बॉक्स दिख रहा होगा, तो सर्च बॉक्स में प्लस है आपको यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन दिख रहा होगा जिसमें 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे, जॉब टैलेंट एंड प्रोजेक्ट। तो अभी आपको यहाँ पे जॉब्स, अगर आप जॉब सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे जो भी कीवर्ड डालेंगे तो आपको जो जॉब लिस्टेड है वो दिखाएगा। दूसरा ऑप्शन होता है टैलेंट, अगर आपको कोई रिसोर्स हायर करना है पर्टिकुलर स्किल से रिलेटेड, अगर आपको कोई बंदा हायर करना है पर्टिकुलर स्किल से रिलेटेड तो आपको टैलेंट पे चूज करना है, लेकिन हम चूज करते हैं जॉब और यहाँ पे आपका कीवर्ड डाल देना है। जैसे वर्डप्रेस में डालता हूँ आपका जो भी स्किल हो, इसमें भी आपका जैसे पर्टिकुलर सिर्फ आपको एलिमेंटर आता है इसमें डिजाइन करना तो वही चूज करें, मैं जस्ट कॉमनली वर्डप्रेस डाल देता हूँ, थोड़ा ब्रॉड रहेगा तो इस पर क्लिक कर देना है। तो भी आपको यहाँ पे कुछ बातों को फाइंड करना है ताकि अपने को अच्छे से क्लाइंट का रिस्पॉन्स आने के चांसेस बढ़ जाए। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको यहाँ पे सॉर्ट बाय करना है न्यूएस्ट पे, मतलब आपको लेटेस्ट जॉब पे अप्लाई करना है तो आपके रिस्पॉन्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं। 2 मिनट पहले, ये 3 मिनट पहले पोस्ट हुआ ये वाला, प्लस आपका जो कीवर्ड है वो भी आपको दिखा रहा है कि इसने ये कीवर्ड ऐड कर रखे हैं तो इस कीवर्ड के बेसिस पे ही सर्च करके दिखा रहा है। तो पहली चीज़ तो आपको देखना है कि लेटेस्ट कौन सा जॉब पोस्ट हुआ है, वो हमें कैटेगरी की जरूरत नहीं। अभी यहाँ पे दिखा रहा होगा एक्सपीरियंस लेवल, एंट्री लेवल पे आप देख सकते हैं 1052 जॉब्स है और इंटरमीडिएट पे 8000, एक्सपर्ट पे तो आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से चूज कर सकते हैं। अगर आप नए नए हैं तो आप एंट्री को चूज कर सकते हैं, कुछ साल का एक्सपीरियंस है तो आप दोनों को चूज कर सकते हैं। तो अभी मैं ओपन रख रहा हूँ क्योंकि मैं सब तरह की जॉब फाइंड करूंगा, लेकिन अगर आप नए हो तो मैं रिकमेंड करूंगा आप एंट्री और इंटरमीडिएट को चूज कर दें तो ये बेटर रहेगा। इसमें पेमेंट 2 तरीके से होता है, एक तो आर्ली होता है और दूसरा फिक्स्ड प्राइस होता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा फिक्स्ड प्राइस बेटर होता है, लेकिन आप स्टार्टिंग में कर रहे हो तो आप कोई से में भी जा सकते हो, बिकॉज स्टार्टिंग में आपका मेन काम होता है आपको आउट रिजल्ट देना और क्लाइंट को सेटिस्फाई करना, तभी वो आपको आगे भी काम दे सकता है और आपको रिव्यू भी देगा। लेकिन अगर आपको फिक्स में जाना है तो आप फिक्स में जा सकते हैं, तो मैं जैसे फिक्स प्राइस को चूज़ कर देता हूँ बिकॉज मैं फिक्स पे ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। तो आपको 30 मिनट पहले का जॉब दिखा रहा है, अगर आपको फिक्स प्राइस में अगर आपका नहीं मिल रहा अच्छा तो आप
आर्ली में भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं फिक्स रिकमेंड करता हूँ जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए, तो वो आप पे डिपेंड करता है। तो अभी मैं इसको फिल्टर को अनचेक रखता हूँ। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है नंबर ऑफ प्रपोजल, मतलब ये जो पर्टिकुलर जॉब हुई है उस पर कितने लोग ऑलरेडी प्रपोजल सेंड कर चुके हैं, कितने लोग अप्लाई अप्लाई कर चुके हैं। अगर आप नए हैं तो आप उस जॉब पे अप्लाई करना मोस्टली जिनमें प्रपोजल लेस देन 5 हो, मतलब उसके पास 5 ही बंदों ने अप्लाई किया है रिसोर्स ने, तो आपका सेलेक्ट होने का चांसेस ज़्यादा है। लेकिन अगर आप जिनको 20, 30, 50 तक अप्लाई कर चुका है, तो मतलब आपका प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगा। जैसे अगर 4 बंदों ने अप्लाई किया है तो आपका सेलेक्ट होने के 25% चांसेस है, लेकिन अगर 10 बंदों ने अप्लाई किया है तो आपका 10% है, तो आपका चांस कम होता जाएगा। इसलिए नए हो तो आप ये पहला वाला ऑप्शन चूज़ करें, लेस देन 5, तो मैं ये वाला पहला वाला चूज़ कर लेता हूँ। क्लाइंट लोकेशन ये आप चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको फॉरेन क्लाइंट US, UK या यूरोप के क्लाइंट होंगे तो आपको पैसा अच्छा मिलेगा, तो इसमें आप इंडिया के क्लाइंट या जो एशियन क्लाइंट उनको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका स्टार्टिंग में हम इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमें शुरू में फर्स्ट क्लाइंट चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें आप बाद में फिल्टर आउट कर सकते हैं, तो मैं इसको भी चूज़ नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावा जॉब लास्ट में है कॉन्ट्रैक्ट टू हायर रोल्स, तो मैंने बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट टू हायर में मतलब आपको एज ए फ्रीलांसर हायर करेगा लॉन्ग टर्म के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, उसमें टास्क के बेसिस पे नहीं होगा, उसमें थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होता है, आप एज अ एम्प्लॉय काम करते हैं, तो वो कर रहा हूँ। तो मैंने आपको दो तीन चीज़ें बताई, आपको न्यूएस्ट सेलेक्ट करना है, आपका जो ये नंबर ऑफ प्रपोजल लेस देन 5 रखना है, उसके बाद आपका जो भी रिजल्ट आता है अभी आपको यहाँ पे जाना है और देखना है। तो जैसे इसको एक वर्डप्रेस फ्रंट एंड डेवलपर चाहिए, तो अब आपको क्लाइंट का वो देखना है, तो इसमें मेरे पास इसका बजट, अब आप इसमें बजट भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे एस्टिमेटेड बजट $50 है, मतलब ये फिक्स प्राइस है। ये होटल वेबसाइट है, इसका आरली है, लेकिन ये इंडिया का क्लाइंट है, तो आप देख लेना, मैं तो इग्नोर करता हूँ। TVS का क्लाइंट है वर्डप्रेस वेबसाइट प्रोजेक्ट, तो इसका रिक्वायरमेंट क्या है, आरली रेट इसका बहुत कम है, $3 to $5, इंटरमीडिएट चाहिए, मतलब ये बहुत कम पे कर रहा है, तो इसको भी आप इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैं आपके सामने एक अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो अभी यहाँ पे जैसे मैंने अपने क्राइटेरिया चूज़ किया था कि लेस देन 5, तो अभी इसका अभी जैसे मुझे एक जो मेरी जो रिक्वायरमेंट थी, तो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट फिट बैठ रहा है, लुकिंग फॉर एक्सपर्ट डेवलपर टू डिज़ाइन डेवलप स्टैटिक वेबसाइट फॉर मी, तो इसको वर्डप्रेस में वेबसाइट चाहिए, तो अभी आपको क्लिक करेंगे तो आपको इसका आपको क्या करना है, अप्लाई करने से पहले पहले सारी चीज़ें जाके उसका डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ना है। तो अभी जैसे मैंने इस जॉब को फाइनलाइज किया, तो अभी मैं पहले इसका ये पढ़ लेता हूँ, तो इसका क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे स्पेशलाइज पॉलिसीज, ओके, तो इसका रिक्वायरमेंट है आई नीड दिस वेबसाइट फॉर बिजनेस, एसईओ फ्रेंडली कोड, और इसका रिक्वायरमेंट है इसको होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट और ब्लॉग पेज चाहिए, इसका $150 फिक्स प्राइस है, प्लस आई एम विलिंग टू पे हायर, तो ये ज़्यादा भी पे करने को रेडी, तो ये आपका डिपेंड करेगा। प्लस इसमें अभी यहाँ पे एक्टिविटी ऑन दिस, तो इसको 4 मिनट पहले हुआ था, एक जने का इंटरव्यूइंग में एक चल रहा है, एक जने ने इसको केवल अभी तक एक बंदे ने अप्लाई किया है, मतलब अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमारे भी चांस बढ़ जाएंगे। वे इंटरव्यू भी ले रहा है, मतलब इसको अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, अगर मैंने अच्छा प्रपोजल सेंड कर दिया तो शायद मैं सेलेक्ट होने के मेरे चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अभी इसमें क्या करना होता है, आपको प्रपोजल सेंड करना होता है, लेकिन आप अप्लाई करने से पहले डिस्क्रिप्शन पहले अच्छे से पढ़ लेना, उसका क्या रिक्वायरमेंट है, आपको वो स्किल है या नहीं, अगर वो अगर स्किल है नहीं भी है, तो आप अगर आप फिक्स्ड रेट है तो आप लर्न करके उसको काम करके दे सकते हैं, लेकिन अगर उसका आर्ली पेमेंट है, आपके पास वो स्किल नहीं है, तो आप कर नहीं पाएंगे, आपका प्रोजेक्ट सक्सेस रेट खत्म हो जाएगा जो मैंने दिखाया था, तो फिर आपका प्रोफाइल ख़राब हो जाएगा। तो फिक्स प्राइस में स्किल नहीं हो तब भी आप लर्न करके काम करके दे सकते हैं। जैसे मुझे एक और वेबसाइट मिला है 35 मिनट पहले, तो इसका रिक्वायरमेंट अभी आप देखेंगे, इसने इतना अच्छा बड़े रिक्वायर, तो आपको डिस्क्रिप्शन पढ़ना, जब आपको वो आपके जो प्रोफाइल से मैच हो तभी आप अप्लाई करना। प्लस जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कनेक्ट पॉइंट खर्च करने होते हैं, तो अभी जैसे इस जॉब के लिए कितने प्रपोजल चाहिए, 10 कनेक्ट पॉइंट खर्च होंगे, आपके पास 50 हैं, 50 फ्री हैं, तो आप मतलब अगर एक जॉब के लिए 10, तो ये डिफरेंट डिफरेंट जॉब के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है प्रोफाइल के हिसाब से, किसी में 10 चाहिए, किसी में 12 चाहिए, किसी में 15 चाहिए, किसी में केवल 2 ही कनेक्ट चाहिए, तो वो डिपेंड करता है इसके ऊपर, जॉब के ऊपर। जैसे मेरे यहाँ पे दिखा रहा है, अगर मैं इसको प्रपोजल सेंड करूँगा तो मेरे 10 कनेक्ट पॉइंट खर्च होंगे, प्लस मेरे को 50 अवेलेबल है, तो मेरे 10 खत्म हो जाएंगे, तो वो भी आपको चेक करना। जैसे इसके लिए 10 कनेक्ट चाहिए और इस जॉब के लिए मुझे चाहिए 12 कनेक्ट, तो अभी मैं इस, या तो आप उसको सेव भी कर सकते हैं अगर आपको बाद में अप्लाई करना है, लेकिन बाद में क्यों करना, हम अभी आपके सामने शेयर करके दिखाऊंगा। तो अभी आपको जाना है, हम इसको प्रपोजल सेंड
करेंगे तो आपको क्लिक करना है अप्लाई नाउ पे, तो आपको ऑप्शन आएगा सबमिट अ प्रपोजल, प्रपोजल सेटिंग, दिस प्रपोजल रिक्वायर्स 9 कनेक्ट, तो हमारे 9 कनेक्ट्स जाने वाले हैं। इसके बाद हमारे पास 41 बचेंगे। हाउ डू यू वॉन्ट टू बी पेड, तो यहाँ पे आपको कैसे पेड करना है, डिवाइड द प्रोजेक्ट इंटू स्मॉलर सेगमेंट्स कॉल्ड माइलस्टोन, यू विल बी पेड फॉर देम। तो ये क्या होता है, जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं तो उनके पास जैसे अलग अलग टास्क होते हैं, तो आप हर टास्क होने के बाद आपको पे करेंगे, मतलब वो सेगमेंट में टुकड़ों में। इसके अलावा वाला होता है बाय प्रोजेक्ट, इसमें होता है क्या एंड में आपको पे करेंगे, क्योंकि हमारा ये छोटा टास्क है तो ये इसमें इतना टाइम लगेगा नहीं, तो मैं इसको बाय बाय एंड डाल सकता हूँ, बाय माइलस्टोन। तो माइलस्टोन में आपको डिस्क्रिप्शन, माइलस्टोन में अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे डिटेल डालना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे इसका क्या क्या टास्क है। तो पहले दिन ये वाला, तो पहले मैं कुछ 3 दिन में जैसे ये वाला टास्क करूंगा, इसका ड्यू डेट ये है, उसका मैं इतना चार्ज करूंगा, तो ऐसे क्या होगा, आप इसके जैसे 2-3 डिपेंड ऑन द माइलस्टोन, तो आप मल्टीपल माइलस्टोन क्रिएट कर सकते हैं, स्पेशली जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं जैसे वीकली मंथली, तो उनके लिए बेटर है, ताकि आपको वीकली पेमेंट आता रहे। अगर छोटे टास्क है जैसे 1-2 दिन या 1 वीक में भी हो जाते हैं, तो आप बाय प्रोजेक्ट आप अपना ये ले सकते हैं। तो इसके लिए मैं इसको भी बाय प्रोजेक्ट चूज करता हूँ। व्हाट इज द फुल अमाउंट वुड यू लाइक टू बिड फॉर जॉब, अब बिड क्या होती है, जैसे इसने तो $150 इसका प्राइस फिक्स किया है, तो अभी आपको बिड करनी है। बिड में क्या कर सकते हैं, आप इसको कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो मैं आपको बोलूँगा इसको आपको थोड़ा मैं इसको कर देता हूँ 140। तो अगर जैसे किसी ने 140 के लिए अप्लाई किया होगा, किसी ने 160 भी डाला होगा, अगर कम आप डालते हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप थोड़ा सा कम कर दें, तो आपका चांसेस बढ़ जाएगा। तो इसका 10% डिडक्ट होने के बाद मुझे इतना मिलेगा, बस $126। तो ठीक है, अभी मैंने इतना कम कर दिया है। हाउ लॉन्ग विल दिस टेक, तो आपको इसका डेट साइन करना है, तो मैंने इसके लिए चूज कर लिया लेस देन 1 मंथ। तो जो ये टास्क आपको पहले अच्छे से रिव्यू करना है, इसके बाद आपको उसका डेडलाइन देना है। तो मुझे पता है इस वेबसाइट को मैं विद इन 1 वीक बना सकता हूँ, तो मैंने इसको लेस देन 1 मंथ दे दिया। दूसरा, ये फिक्स प्राइस है, तो मेरे पास इनफ टाइम रहेगा। अगर आपके पास कुछ प्रोजेक्ट है जो आप पहले से कर चुके हैं, तो आपको उनको यहाँ पे ऐड कर देना है, तो इससे क्लाइंट के पास वो आपका पोर्टफोलियो चला जाएगा कि आपने इन प्रोजेक्ट पे काम किया है, तो आपका अच्छा रिव्यू उस पर जाएगा। इसके अलावा ये बूस्ट करने का है, तो ये आप इसको इग्नोर कर देना। यहाँ पे ये कुछ एड्स भी रन कर सकते हैं, ताकि आपका प्रोफाइल टॉप में आए। आपके पास सर्टिफिकेशन तो है नहीं, तो प्रपोजल में आपको क्या लिखना है, एक कवर लेटर है, तो कवर लेटर आपका प्रपोजल में, इसमें आपको इन्फॉर्मेशन देना है खुद के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में। तो अभी आपको क्या करना है, जो डिस्क्रिप्शन है इसको कॉपी करना है। अभी आपको, हम चैट जीपीटी का यूज़ करने वाले हैं, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और जाता हूँ चैट जीपीटी के पास। तो चैट जीपीटी पे आके मैंने ये सिंपली ये वाला प्रॉम्प्ट लिखा, और यहाँ पे मैंने ये जो जॉब डिस्क्रिप्शन कॉपी किया था उसका रिक्वायरमेंट, इसको पेस्ट कर दिया और इसको बोला है, और मैंने एंटर किया, तो इसने मुझे यहाँ पे ये अच्छे से कवर लेटर, जॉब प्रपोजल के लिए कवर लेटर लिख के दिया। तो अभी आप इसको एक बार पढ़ लेना, प्लीज शॉर्ट दिस, तो देखते हैं अभी कैसा करके देता है चैट जीपीटी। तो अभी थोड़ा शॉर्ट कर देगा, तो अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है, राइट। तो अभी मैं इसको जस्ट कॉपी करके इसी को सेंड कर रहा हूँ, थोड़ा सा हल्का सा चेंज करके, तो देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। तो ये मैंने जस्ट कॉपी पेस्ट किया वहाँ से, और उसमें थोड़े से चेंजेस किए हैं, और यहाँ पे ये मेरा प्रपोजल रेडी हो गया है। तो इसमें आपको तो आपका जो टास्क है उसके स्कोप के बारे में बताना है, कि उसका जो रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हैं, तो इसमें सारा स्कोप के बारे में बताया है। आप इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके बारे में बताना है, आपको कितना एक्सपीरियंस है, इसके बाद स्कोप जो उसका रिक्वायरमेंट है, तो उसके बारे में बताना है। होम पेज है, अबाउट अस पेज में, और इसका ब्लॉग से, उसके बाद उसने बताया व्हाई चूज मी, तो रीज़न बताया मुझे क्यों चूज़ करे। इसके बाद आपको कॉल टू एक्शन देना है यहाँ पे, लास्ट में ग्रीटिंग थैंक यू, और ये आपका रिकॉर्ड बस। तो ये हो गया आपका प्रोजेक्ट रेडी। इसके अलावा अगर आपका कुछ पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट है, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। सो यस, मेरा प्रपोजल मैंने रेडी कर लिया है, तो यहाँ पे ये जो सारा डिस्क्रिप्शन मैंने डाल दिया है, इसके अलावा ये डिस्क्रिप्शन मैंने ऐड कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट का स्क्रीनशॉट लेके उसको जस्ट रेफरेंस के लिए ऐड कर दिया है, कि मैंने ये वेबसाइट बनाई है, जो कि मैंने जेन्युइन डाली है, कोई फ्रॉड नहीं है, जो एक्चुअली मैंने बनाई है, जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे आप मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ये वेबसाइट का स्क्रीनशॉट डाल दिया, तो ये मेरा प्रपोजल रेडी है। जस्ट अभी आपको क्लिक करना है सेंड फॉर 9 कनेक्ट, तो क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे इसको चेक कर देना है कि आप पॉलिसीज आपने सारी पढ़ ली, और इसको सबमिट।
तो फिर इसको आपको आई अंडरस्टैंड, मतलब जब क्लाइंट को आप डिलीवर करेंगे तो वो अप्रूव करेगा, तो ये वो आपको पेमेंट आपका रिलीज करेगा, तो ये इसका पॉलिसीज है। तो ठीक है, इसमें कोई, तो ये प्रपोजल डिटेल, तो ये प्रपोजल हमारा सबमिट हो गया है, तो मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये प्रपोजल वॉज सबमिटेड, तो ये आप प्रपोजल डिटेल देख सकते हैं। आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे मेरा कवर लेटर दिख जाएगा, ये मेरा सारा डिटेल मैंने डाला हुआ है, तो आपके सामने मैंने सारी चीज़ें लाइव दिखाई है। तो अब इसका क्या रिस्पॉन्स आता है वो मैं देखता हूँ क्या होता है। आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो मैंने प्रपोजल सेंड किया था, तो उसका मुझे 2 दिन बाद ही क्लाइंट का रिप्लाई आया। तो आप मुझे ये ईमेल आया है, तो क्लाइंट का रिप्लाई आया है, तो उसने उसके सारी चीज़ एक्सप्लेन करी हुई है। तो आपको एक तो ईमेल आएगा, और दूसरी चीज़ आपका जो मैसेज टैब होता है वहाँ पे भी सेम मैसेज आपको दिखेगा। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मेरे अगर मैं मैसेजेस के अंदर जाता हूँ, तो मुझे मैसेज के अंदर भी ये क्लाइंट का रिप्लाई दिख रहा है। तो यहाँ पे ये मैंने प्रपोजल सेंड किया था, तो उसका मुझे 2 दिन बाद रिप्लाई आया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो उसने सारा उसका रिक्वायरमेंट एक्सप्लेन किया है। तो अभी मैं उसके साथ मीटिंग शेड्यूल करके, कॉल करके जो आगे का प्रोसेस करूँगा, वो मुझे क्या ऑफर करता है। तो इस तरीके से आपको ईजिली क्लाइंट मिल जाएगा, और ये मैंने नए फ्रेश अकाउंट से आपके सामने सेंड किया है। तो आप देख सकते हैं, अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं, तो आपको डेफिनेटली फर्स्ट क्लाइंट मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव जरूर लगा होगा, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें डिटेल में बताई है और सब कुछ एक्सप्लेन किया है, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर देना। अगर आपका कुछ क्वेश्चन हो, कुछ दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे कॉमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो मुझे मेरे दूसरे सोशल मीडिया चैनल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे वहाँ पे भी पूछ सकते हैं, तो मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। और ये वीडियो देखने के बाद आप ये वाला वीडियो जरूर देखना, इससे इससे रिलेटेड आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी।